जय हिंद। देखिए, जो यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट थी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यूपी आंगनवाड़ी के बारे में क्या डिटेल्स, मतलब कि क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे जो है आयोग की तरफ से आया है कि यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2021 चयन प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव। यहाँ पढ़िए डिटेल्स। यहाँ पे देखिए, जो ये आंगनवाड़ी की चयन प्रक्रिया होती है, मतलब जो मेरिट के आधार पर होती है, इसमें देखिए बदलाव क्या किया गया है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं कि कैसे अब रिक्रूटमेंट होगी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के भर्ती नियमों में कुछ बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत अब आंगनवाड़ी वर्कर्स के चयन के लिए जो चयन समिति बनाई जाएगी, उस समिति में अब एक महिला अधिकारी का होना अनिवार्य है। मतलब जो समिति यह चयन करती है आंगनवाड़ियों के लिए, उसमें एक कौन होगी, महिला अधिकारी होगी। ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो चयन समिति है उसमें एक महिला का होना निश्चित है, महिला अधिकारी का होना निश्चित है। तो आप लोग बताइए कि सही हुआ कि गलत। चलिए देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जो अगली इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है वो है, उत्तर प्रदेश के 58 शहरों से अधिक जिलों में आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इन भर्तियों के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई गई थी। हालांकि कई जिलों में आवेदन की शुरुआत नहीं हो पाई थी, लेकिन अब इस पर तेजी से काम शुरू हो गया क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। समझ गए ना, भारत में यही होता है। इसी बीच इन पदों पर चयन प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो विभाग की तरफ से चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। विभाग की तरफ, मैंने कहा ना, विभाग की तरफ से चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। तो चलिए देखिए क्या प्रक्रिया हो, यहाँ समझे चयन की प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है। चयन प्रक्रिया में क्या हुआ, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के भर्ती नियमों में कुछ बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत अब आंगनवाड़ी वर्कर्स के चयन के लिए जो चयन समिति बनाई जाएगी, उस समिति में अब एक महिला अधिकारी का होना अनिवार्य होगा। इनके चयन के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें जो है पहली वरीयता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, पहले वरीयता पर, मतलब बीपीएल कार्ड के नीचे। ये तो हो गया। आपको बता दें कि यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आय सीमा 56,460, याद रखिएगा 56,460 56,460 और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी आय की सीमा 46,000 रुपये तय की गई है। इसके अलावा जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की आय सीमा 62 वर्ष हो जाएगी, उनकी सेवा स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। याद रखिएगा, 62 वर्ष तक केवल ये एलिजिबल होंगे ही। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आप लोग जो है इस इंफॉर्मेशन से अपडेट हो जाइएगा। और यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी आय की सीमा 56,460 रुपये है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनमें गरीबों की आय सीमा 46,080 रुपये है, और आपके समय आपकी आयु की सीमा 62 वर्ष होने पर ही आपकी सेवा जो है स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अब जो भी चयन समिति होगी उसमें एक महिला अधिकारी होगी, और जो भी बीपीएल कार्ड के नीचे हैं उनको जो है पहली वरीयता दी जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।